और स्वागत है। बारिश का मौसम लगभग आ चुका है और मैं मूड में हूँ खाने के कुछ तीखा और स्वादिष्ट। और आज के स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं कुम पाओ टोफू विद वेजिटेबल्स। ये है एक चाइनीज रेसिपी। टोफू बनता है सोय में से और स्वाद में काफी होता है पनीर जैसा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं इसे बनाऊंगी लेकर के टोफू, सब्जियां और सॉसेस। जो सामग्री चाहिए बनाने के लिए कुम पाओ टोफू विद वेजिटेबल्स वो है, क्यूब किया हुआ टोफू 200 ग्राम, 1 कप हरे कैप्सिकम, 1 कप लाल कैप्सिकम, हरा प्याज आधा कप, 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 2 चम्मच तेल, काली मिर्च जो मैंने पिसी हुई है, 1/4 कप भुनी हुई और पिसी हुई मूंगफली, 2 चम्मच अदरक जो मैंने कसा हुआ है, 1 चम्मच कसा हुआ लहसुन, 1/4 कप अजवाइन, 1 चम्मच चिली सॉस और 3 चम्मच सोया सॉस। मैं गरम कर रही हूँ तेल को पैन में, तब तक बना लूंगी ये कुम पाओ सॉस। सबसे पहले लूंगी कॉर्न स्टार्च, पानी डालकर बनाऊंगी पतला पेस्ट, डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, मिला लूंगी अच्छे से। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये दरदरे पिसे हुए काली मिर्च के दाने, थोड़ा नमक स्वादानुसार, चिली सॉस, सोया सॉस, भुनी हुई और पिसी हुई मूंगफली। ये कुम पाओ सॉस अब तैयार है। तेल अब गरम हो चुका है, मैं डालूंगी इसमें पहले लहसुन, अदरक, भून लूंगी जब तक कि कच्ची खुशबू निकल जाए अदरक और लहसुन में से और ये हो जाए थोड़े ब्राउन। अब इसमें ऐड करूंगी सेलरी, और अब कैप्सिकम, भून लेंगे 2-3 मिनटों के लिए। अब मैं डालूंगी क्यूब किया हुआ टोफू, भून लूंगी इसे और 2-3 मिनटों के लिए। टोफू अब पक चुका है, अब ऐड करूंगी कुम पाओ सॉस जो हमने प्रिपेयर किया है। गैस को ऑफ कर दूंगी। कुम पाओ टोफू विद वेजिटेबल्स अब तैयार है। ये जल्दी से और आसानी से बन गया है ना। इसे गार्निश करूंगी मैं थोड़े हरे प्याज के हरे भाग से। और अगर आपको टोफू पसंद नहीं तो आप इसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन टोफू में है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन। और आप इसे सर्व कर सकते हैं फ्राइड राइस, गार्लिक राइस या गर्मा गर्म चावल के साथ। आप इसे बना सकते हैं गाढ़ा और सर्व कर सकते हैं स्टार्टर जैसे। आप इसे जरूर बनाइए और सर्व करिए गर्मा गर्म और ताजा।